फेसबुक को जुकर्ब ने नहीं इस भारतीय ने बनाया था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि फेसबुक का फाउंडर कौन है तो शायद आप भी मार्क जुकरबर्ग का ही नाम लेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, करीब 1% फेसबुक यूजर यही नाम लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि लोगों को आज भी नहीं पता फेसबुक का असली फाउंडर एक अप्रवासी भारतीय है, चालाकी का शिकार। जी हाँ, 19 साल के दिव्या नरेंद्र के माता पिता उनके जन्म 19 मार्च 1982 से पहले भारत से जाकर अमेरिका में बस गए थे, जिससे दिव्या का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। दिव्या के पेरेंट्स उन्हें अपनी तरह ही डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे और उनका सपना पूरा भी हुआ और कड़ी मेहनत से वह फेसबुक फाउंडर भी बने। हालांकि वह भारतीय द्वारा किए गए आविष्कारों को चोरी कर दुनिया में अपने नाम से फैलाने वालों की रणनीति में आते हैं। इसी के चलते ही उनकी जगह पर फेसबुक फाउंडर के रूप में मार्क जुकरबर्ग का नाम फेमस हो गया। जबकि हकीकत यह है, फेसबुक का जन्म हार्डवेयर कनेक्शन सोशल साइट के निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिस पर दिव्या लंबे समय से काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मार्क जुकरबर्ग सिर्फ मौखिक सहयोग के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन जुकरबर्ग ने फेसबुक प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया था। उसके बाद उसे डेमो को उन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिस पर दिव्या और जुकरबर्ग के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद वह मामला कोर्ट पहुँच गया। 2004 में अमेरिका की एक अदालत में दिव्या ने जुकरबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया था। हर जाना भी देना पड़ा। इस दौरान यह साफ हो गया कि इसके असली फाउंडर दिव्या नरेंद्र हैं। इस जुकरबर्ग को हर्जाने के तौर पर $650 लाख देने पड़े, लेकिन इस हर्जाने से दिव्या खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उन्होंने फेसबुक के शेयरों की उस समय की बाजार कीमत के हिसाब से हर्जाना नहीं मिला। हालांकि कुछ भी हो, इस मामले के बाद से जुकरबर्ग की हकीकत साफ हो गई कि वह नहीं बल्कि फेसबुक के फाउंडर दिव्या नरेंद्र हैं। ये थी SM News रिपोर्ट।